नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास सोनी का एलईडी टीवी 32 इंच का, जिसका मॉडल नंबर है KLV32R412B। इसमें प्रॉब्लम है, टीवी चालू करने के बाद में 6 टाइम ब्लिंक का प्रॉब्लम है। अभी हमने टीवी चालू किया, जैसा कि आप देख सकते हैं ग्रीन लाइट आती है, 2 सेकंड के लिए सोनी लिख के आता है और इसके बाद में रेड ब्लिंक में चला जाता है। अभी रेड ब्लिंक होना चालू, 1 2 3 4 5 6, जैसा कि आपने देखा इसमें 6 टाइम ब्लिंक होता है। सिक्स टाइम ब्लिंक का प्रॉब्लम है। अब हमने टीवी खोल लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसका मदरबोर्ड का व्यू है। 6 टाइम ब्लिंक में बैकलाइट का प्रॉब्लम रहता है। इसका मदरबोर्ड का व्यू है, ये स्ट्रिप जो पैनल को जा रही है। और इसके साइड में 2 स्पीकर लगे हुए। अब हमने इसे खोल लिया है, स्पीकर निकाल दिए और इसका सर्किट भी निकाल के साइड में रख दिया है, जिससे हम इसका बैक कवर खोल सके और बैक लाइट चेंज कर सके। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने स्पीकर साइड की पट्टी साइड में रख दी है। अब हम इसका बैक कवर खोल लेते हैं। खोलने के बाद हम बैकलाइट चेक करें, जैसा कि आपने देखा इसमें एक बल्ब नहीं जल रहा है। और बाकी के स्ट्रिप भी वीक हो गई। एलईडी चेकर से चेक तो हो रहा है, लेकिन एक स्ट्रिप में एक बल्ब वीक है, जिसके कारण इसमें 6 ब्लिंक का प्रॉब्लम आ रहा था। ये इसकी ओरिजिनल बैकलाइट पट्टी चेंज करके हमने नई पट्टी फिट कर दी है। तीनों पट्टी हमने नई डाल दी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये इनसाइड का व्यू है, और ये फॉल्टी बैकलाइट ऊपर रखी है हमने, ओरिजिनल फॉल्टी बैकलाइट। तीनों स्ट्रिप हमने डाल के प्रॉपर तरीके से इसे फिट कर दिया है। अब हम इसे फिट कर लेते हैं, स्पीकर लगा लेते हैं, सर्किट लगा के अब हम इसे फिट कर लेंगे। जैसा कि देखा आपने, इसकी बैकलाइट पट्टी ख़राब थी, हमने तीनों नई पट्टी डाल दी है और इस तरह से ये हमारा टीवी रेडी हो चुका है। अब हम इसे चालू करते हैं। अभी इसका 6 टाइम ब्लिंक का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है और पिक्चर पूरी तरह से नॉर्मल और साउंड भी क्लियर है। आपने आपका बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। 1 लाख तो बनता है।